बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, और शायद इसलिए हम सब उस बचपन को बार बार जीना चाहते हैं। इस ट्रिप पे मुझे भी मौका मिला अपने बचपन को एक बार फिर से जीने का। तो चलिए इस एपिसोड में चलते हैं टू द ड्रीम लैंड ऑफ माई चाइल्डहुड, द सेंटा मोनिका पियर। और अब फाइनली हूँ मैं सेंटा मोनिका पियर पे, पर ये जगह उन लोगों को बहुत अच्छे से याद आ जाएगी और समझ में आ जाएगी जिन लोगों ने GTA 5 खेला है। Oh, it's perfect. All right, Anthony भाई ने मुझे Venice Beach के पास छोड़ा है मुझको। I think मैं अब intersection पे आ गया हूँ। यहाँ से मुझे all the way west की तरफ जाना है, इधर कहीं, और मैं पहुँच जाऊँगा beach पे। Solid. Wow. तो वहाँ पे एक पियर बना हुआ है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो गया मुझे बीच का, पहली झलक लॉस एंजलिस कैलिफोर्नियन बीचेस की मिल गई मुझे वेनिस बीच पे। अब सबसे पहले मैं जा करके देखता हूँ वो स्कूटर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मेरा दिल जो है ना बच्चे वाला वो उछल रहा है स्कूटर को चलाने के लिए बहुत देर से। ये है वो बोर्ड वॉक जिसके बारे में बात कर रहा था एंथनी। दिस इज़ क्वाइट अ सिमिलर, हर बीच के बगल में एक बोर्ड वॉक तो होता ही है, बस वैसे ही है ये। So, ये है द पॉपुलर वेनिस बीच, जो किसी वक्त पर अर्नॉल्ड स्वार्ज़नेगर की फेवरेट बीच होने के साथ साथ फेमस टीवी सीरीज बेवॉच की शूटिंग के लिए भी जाना जाता था। बट विद फ्री एंट्री, सनी बीचेस, सर्फिंग वेव्स, स्केटबोर्ड अरिनाज, बास्केटबॉल कोर्ट्स, ग्लिटरिंग बोर्ड वॉक और उस पर परफॉर्म करते ही अमेजिंग आर्टिस्ट की वजह से वेनिस बीच आज कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर मैंने बिताए थे 2 घंटे क्योंकि मुझे आगे सेंटा मोनिका जाना था, बट आई वुड सजेस्ट यू शुड कम हियर विद एटलीस्ट 3 to 4 hours इन हैंड। सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ स्कूटर। इट हैज अ लो बैटरी। ओके, अगर इसमें लो बैटरी है तो कह देता है कि लो बैटरी है। ठीक है, गाइस एक अच्छी सी स्कूटर राइड ले ली है मैंने, और अब फाइनली हूँ मैं सेंटा मोनिका पियर पे। पर ये जगह उन लोगों को बहुत अच्छे से याद आ जाएगी और समझ में आ जाएगी जिन लोगों ने GTA 5 खेला है। आप लोगों को याद है ये जगह?
बहुत ही खूबसूरत जगह है सेंटा मोनिका पियर। अगर आप कभी भी लॉस एंजलिस आते हो ना, तो बीच साइड पर सेंटा मोनिका और वेनिस बीच, ये दोनों काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छे बीचेस हैं। हालांकि ये सेंटा मोनिका मुझे बहुत ही ज़्यादा क्राउडी लग रहा है, उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आज संडे है। इस जगह को यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। एक्चुअली ये बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये यहाँ के लोकल लोग हैं। दिस पियर इज़ लाइक अ परमानेंट कार्निवल व्हिच इज़ फुल ऑफ पीपल, राइड्स, गेम्स, फूड एंड म्यूजिक, सम इंडियन म्यूजिक टू। यार यहाँ वक्त कैसे बीत गया ना, पता ही नहीं चला। और जैसे जैसे शाम होती गई, ये जगह और खूबसूरत होती चली गई। लगे बड़े बच्चे, खेलो खेलो, अरे और मारो, लेफ्ट से लेफ्ट से। अब इस वक्त पे मैं ढूंढ रहा हूँ एक एशियन अंकल को जो बहुत ही कमाल का म्यूजिक बजा रहे थे। ये वो तो वो वाला है। बच्चों का जन्नत है ये जगह, और मेरे से बच्चे के लिए तो बहुत ही जन्नत है। मैं तो बड़ा हुआ उसको देख देख करके। आज वापस से बच्चा हो गया। ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ पर बच्चे नहीं करते, जो मैंने नहीं किया है आज। फिर भी दिल भरा नहीं है मेरा, जाने का दिल नहीं कर रहा वापस। अभी मैं जा रहा हूँ और Amazon पे मुझे लेना है एक प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है एंथनी भाई साहब का। और क्या होता है Amazon का यहाँ पर और पिकअप स्टोर भी होता है, यहाँ पर जा करके आप कुछ भी पिकअप कर सकते हो। लॉक नंबर 2 एंड 054 इज ओपनिंग, सो दिस इज द पैक। तो आज है तीसरा दिन और आज निकला है हम सेंटा मोनिका जाने के लिए फिर से।
थैंक यू सो मच ब्रदर. या यू वेलकम. सी यू. थैंक यू. बाय. ये स्टारलाइन टूर्स के बस. इसी तरह की बसेस होती हैं जो आपको ग्रुप टूर्स में जब आप आते हो ना, या फिर जब आपने पैकेज लिया होता है किसी भी ट्रैवल कंपनी के थ्रू और आप ट्रैवल करते हो, तो लोग कहते हैं ना शेयर्ड में ट्रैवल करेंगे आप. जो आपके टूर होगी वो शेयर्ड बेसिस पे होगी, SIC बेसिस पे होगी, वो यही होती है. स्टारलाइन इज़ अ वेरी फेमस कंपनी. तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, कभी भी US में आ रहे हैं आप, सेंटा मोनिका की साइड पे, वेस्ट साइड में या फिर LA में, तो आप स्टारलाइन टूर्स के डायरेक्टली वेबसाइट पर जा करके भी बुकिंग कर सकते हैं. इट्स अ गुड कंपनी. थोड़ी महंगी है बट यस, ये अगर आप फैमिली के साथ हो या एज अ कपल आ रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको टूर तो बुक करना पड़ेगा. यू कैन नॉट रोम लाइक अस, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उस वक्त आपको टूर्स बुक करने ही पड़ते हैं. अभी मैं हूँ सेंटा मोनिका पे, ये तो आपको पता चली गया होगा. दिस इज आई लव अबाउट अमेरिका, जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं ना. मुझे ना एक्चुअली इस तरह की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद है. इनफैक्ट आज मैं दोबारा यहाँ सिर्फ वो एशियन अंकल की म्यूज़िक CD खरीदने ही आया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे. बट जब यहाँ आ ही गया तो सोचा कि सनसेट तक तो रुक ही जाता हूँ, पर पहले भूख मिटानी थी. वैसे तो पियर पे खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं, पर पियर से बाहर मेन रोड पर भी आपको बहुत सारे अमेजिंग कैफेज मिल जाएंगे जहाँ आप इन गरीबों की तरह बैठ कर खा सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह अमीर हैं तो पार्क की बेंच पर बैठ कर सबवे या मैकडी का भी मज़ा ले सकते हैं. और जब तक मैं इस गुनगुनी धूप में ये सबवे का मजा ले रहा हूँ, तब तक आप लोग जरा नज़ारे का मजा लो. वक्त हो गया चलने का, और जैसा कि ठंड बढ़ जाती है हमेशा यहाँ पर, फिर से ठंड बढ़ गई है और बहुत ज़बरदस्त हो गई है ठंड. सनसेट भी हो गया है और कितना अच्छा लुक है ना यहाँ से, क्या सही दिख रहा है यहाँ से. मतलब एक अलग ही ना हैप्पीनेस आ जाती है बिल्कुल मन में. मतलब ऐसा लगता है कि बस यार घर किसी ऐसी जगह पर होता ना, और बस यहीं पर आ करके कहीं पर बैठ करके हर शाम ऐसे ही गुजरे. दुनिया का इतना बड़ा शहर है लॉस एंजलिस, और उसका इतना फेमस पियर है ये सेंटा मोनिका, बट फिर भी इन जगहों पर आप देख रहे हो बैठने को कितनी जगह है. गाड़ी पार्क करने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा. क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक ये है कि इनका पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमारे यहाँ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है. हमारे देश को ना बुलेट ट्रेन की और चांद पे और मंगल पे जाने की ज़रूरत अभी है ही नहीं इतनी कोई खास. जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीडेड ज़रूरी चीज़ है ना, वो है एक बहुत ही अमेजिंग सा एजुकेशन सिस्टम और बहुत ही हाई लेवल का पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम. बाकी चीज़ें ना अपने आप हो जाएंगी. इतनी अच्छी जगह है, फिर भी कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कुछ भी नहीं, और ज़्यादा मज़ा इसी वजह से आ रहा है. और एज यूजुअल ठंड हो गई है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ना कैप लाना भूल गया हूँ. सर सच्चाई यही है भैया कि हम जो है ना कैप लाना भूल गए हैं. ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार. चलो इसमें जो कैप है उससे काम चल जाएगा. लेकिन बहुत देर तक मैं इस बात का रिग्रेट करता रहा कि मैंने अंकल से वो म्यूजिक CD क्यों नहीं खरीदी, पर फिर लगा कोई नहीं, वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई रिग्रेट ना हो. विद दीज लाइंस दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड. सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट. जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां दिखाऊंगा कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, फिर चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो.
पागल वाली जगह लग रही है मुझे। ठीक है, कहाँ आ गया मैं? जितना जल्दी मैं यहाँ से निकलना उतना अच्छा।